नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए टीकाकरण हुआ आज से शुरू। युवाओं ने दिखाया उत्साह। मुख्यमंत्री ने देहरादून और हल्द्वानी में किया शुभारंभ। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने राज्य की कारागार में मौजूद कैदियों को लेकर दिए निर्देश। पिछले वर्ष की तर्ज पर कैदियों को पुनः 90 दिन की पैरोल देने को कहा। सचिवालय में मुख्य सचिव ने मीडिया को राज्य सरकार के द्वारा ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने की दी जानकारी। और कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने बागेश्वर में कोविड संक्रमण रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। गांव में सैंपलिंग बढ़ाने और अस्पताल में भर्ती मरीजों को बेहतर उपचार देने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ने आज राजधानी देहरादून में 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। इस दौरान युवाओं में टीकाकरण को लेकर काफी उत्साह देखा गया। देहरादून के हरिद्वार बाईपास रूट पर स्थित राधा स्वामी सत्संग न्यास में लोग लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में टीकाकरण अभियान का तीसरा दौर शुरू हो गया है, जिसके तहत प्रदेश के 50 लाख युवाओं का कोविड टीकाकरण किया जाना है। उन्होंने बताया राज्य सरकार 18 से 44 वर्ष के लोगों का निशुल्क टीकाकरण कर रही है, जिसमें लगभग 400 करोड़ का खर्चा आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि कोविड टीकाकरण अभियान को हर न्याय पंचायत स्तर तक ले जाया जाए। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि टीकाकरण हेतु बनाए गए सभी बूथों पर बुजुर्गों दिव्यांगों हेतु अलग से व्यवस्था की जाए, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। इसके बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे और MBPG कॉलेज में वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के आयु को नौजवानों को बहनों को वैक्सीन लगाने का जो संदेश दिया है, आज हम उस संदेश को पूरा कर रहे हैं। आज शुभारंभ किया है और उत्तराखंड सरकार, हमारी सरकार ने सबको फ्री वैक्सीन लगाने का काम किया, जिसमें 400 करोड़ से भी अधिक खर्चा आता है। ये हम स्वयं बहन करेंगे और भारत सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमको हर चीज उपलब्ध कराई जा रही है, चाहे वो PPE किट हो, वेंटिलेटर हो, ऑक्सीजन हो, अन्य सारे सुविधाएं और वैक्सीन हम उसको नीचे तक ले जाने का काम कर रहे हैं। हमने तय किया है कि ये वैक्सीन इन शिविर तो हमने जो तय किए हैं, लेकिन इसके अलावा नीचे न्याय पंचायत स्तर तक ये शिविर कैंप होंगे, जिससे कि सभी नौजवानों को बुजुर्गों को भी सुविधा मिले। प्रदेश भर में आज से 18 से 44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण शुरू होने पर युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। प्रदेश के हर जिले के केंद्रों में आज पहले दिन युवाओं की लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। चंपावत जिले के 6 निराकरण केंद्र छतार में टीकाकरण केंद्र बनाया गया है, जहां वैक्सीनेशन के लिए सुबह से ही लोगों की लंबी कतार लग गई थी। वैक्सीनेशन को पहुंची दीक्षा नारियाल ने बताया कि उन्होंने पूर्व में रजिस्ट्रेशन कर लिया था। आज पहले उन्हें टोकन दिया गया, उसके बाद उनका वैक्सीनेशन किया गया। वैक्सीनेशन को पहुंचे ऋतिक भंडारी ने केंद्र और राज्य सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना महामारी से लड़ने का हर संभव प्रयास कर रही है। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए जो ऑनलाइन वेबसाइट गवर्नमेंट ने प्रोसेस कर रखी है, उस पर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन थ्रू आधार कार्ड करवाया। उसके बाद आधार कार्ड के बाद हमें OTP आया और स्लॉट्स वगैरह डे वगैरह खुद से बुक करने हैं। उसमें बुकिंग करने के बाद यहाँ पे जैसे कि TB हॉस्पिटल के पास, यहाँ पे हम लोगों को स्लिप्स वगैरह टोकन दिए गए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद। उसके बाद अकॉर्डिंगली इन लोगों ने हम लोगों का वैक्सीनेशन कराया।
वहीं पौड़ी जिले में 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण की शुरुआत के पहले दिन जिले में 1000 लोगों का टीकाकरण किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि पहले दिन जिले में 2 केंद्र स्थापित किए गए हैं। वे स्वयं केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। जनपद में हमने बल्क वैक्सीनेशन के लिए 5 सेंटरों पर ही कार्यक्रम प्रारंभ किया है और हमारा जो GIC पौड़ी है वहां पर हम लोगों ने 3 वैक्सीनेशन रूम स्थापित किया है। सुबह से ही जनता की भीड़ काफी नजर आ रही है। सभी लोग जो है पंजीकरण करके अपने सेंटर पे आ रहे हैं। आज जितने लोगों को आज का दिन अलॉट किया गया है उतने लोग का वैक्सीनेशन आज संपूर्ण किया जाएगा। GIC पौड़ी में 500 व्यक्तियों का वैक्सीनेशन आज हम शुरुआत कर रहे हैं। साथ में जो हमारा कलाल घाटी कोटद्वार है वहां पर जो ग्राउंड में हमने वैक्सीनेशन सेंटर बना रखा है वहां पर और 500 लोगों का वैक्सीनेशन हम संपूर्ण करेंगे। वहीं टीकाकरण के लिए लोगों में जागरूकता देखने को मिल रही है। लोग ऑनलाइन पंजीकरण करवाकर टीकाकरण केंद्र पहुंच रहे हैं। टीकाकरण को पहुंचे युवाओं ने जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं पर संतोष जाहिर किया और सभी से अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। कल ही हमने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। ये मेरी पहली वैक्सीन है और आज हमें अभी आए थे और बड़ी व्यवस्थित ढंग से हमें बैठाया गया और उसके बाद ज्यादा टाइम लिए बिना ही हमें अच्छे से वैक्सीन लगा दी गई है। वहीं हरिद्वार जिले में भी 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण की शुरुआत के पहले दिन टीकाकरण केंद्रों में युवाओं की अच्छी संख्या देखने को मिली। हालांकि पंजीकरण करने के बाद ही जिन्हें पहले दिन टीकाकरण किया जाना था वही केंद्रों में पहुंचे थे। प्रेमनगर आश्रम में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के नोडल अधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि आने वाले दिनों में टीकाकरण अभियान में और तेजी लाई जाएगी। वैक्सीन की उपलब्धता पर अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। 45 से नीचे की है उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उसके बाद स्लॉट लेना पड़ेगा। जहां जहां हमारे वैक्सीनेशन हो रहा है इस वर्ग के लिए वहां साइट के लिए अलॉटमेंट होगा, बुकिंग होगी, उसी के बाद वैक्सीनेशन लग पाएगा। वहीं चमोली जिले में भी आज 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत की गई। पहले दिन आज गोपेश्वर में 2, कर्णप्रयाग व थराली के 1-1 केंद्रों में टीकाकरण किया गया। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होगा। वैक्सीन केवल स्वपंजीकरण और अग्रिम अपॉइंटमेंट के बाद ही लगाई जाएगी। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपनी बारी आने पर टीकाकरण अवश्य करवाएं। इस अवसर पर उन्होंने टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आज हमने गोपेश्वर में 2 सेशन, कर्णप्रयाग में और थराली में 1-1 सेशन खोल रखा है और इसके बाद कल से सभी ब्लॉक्स में भी सब ये सेशन कराए जाएंगे और हमारे जितने भी रजिस्ट्रेशन टाइमली सबके कल कंप्लीट हो गए थे और उसी के आधार पर अभी वैक्सीनेशन कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्येक राज्य में एक हाईपावर कमेटी का गठन करने के निर्देश दिए थे जिसमें सभी राज्य अपने कारागार में मौजूद कैदियों को विशेषतः जिन्हें पिछले वर्ष कोविड-19 महामारी के दौरान पेरोल पर रिहा किया गया था उसी के अनुक्रम में पुनः 90 दिन के पेरोल पर रिहा किया जाए तथा इसके संबंध में वही दिशा निर्देशों का अनुपालन पुनः किया जाए जिनका अनुपालन पिछले वर्ष किया गया था जिससे कारागारों में मौजूद कैदियों में महामारी के संक्रमण का खतरा न हो सके। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव RK खुलबे ने बताया कि इस संदर्भ में गठित हाई पावर कमेटी ने कल ये आदेश जारी कर दिया है कि राज्य की कारागार में मौजूद कैदियों को विशेषतः जिन्हें पिछले वर्ष कोविड-19 महामारी के दौरान पेरोल पर रिहा किया गया था उन्हें पुनः 90 दिन के पेरोल पर रिहा किया जाए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में वही दिशा निर्देशों का अनुपालन पुनः किया जाए जिनका अनुपालन पिछले वर्ष किया गया था और उपरोक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से राज्य में लागू कर दिया गया है। इस संबंध में सचिव गृह व महानिरीक्षक सहित समस्त जिला जज व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी दौरे के दौरान कोरोना संक्रमण की रोकथाम और मरीजों के उपचार के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मिनी स्टेडियम पहुंचकर वहां बनाए गए कोविड केयर सेंटर की व्यवस्थाओं को देखा। उसके बाद डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय और उसके परिसर में डीआरडीओ द्वारा बनाए जा रहे 500 बेड के कोविड अस्पताल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना मरीजों के उपचार में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहन राशि दिए जाने पर सहमति जताई। अस्पतालों का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सक और अन्य स्वास्थ्यकर्मी पूरी तन्मयता के साथ कोविड के मरीजों के उपचार में जुटे हैं, जिन पर हम सभी को गर्व है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोरोना की रोकथाम और मरीजों के उपचार में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, इसके लिए बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अस्पतालों में किसी भी स्रोत से नए चिकित्सकों की तैनाती करें, इसके लिए सरकार पूरा धन उपलब्ध करवाएगी। सरकार ने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को पूरे अधिकार दिए हैं। उन्होंने डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय के परिसर में डीआरडीओ द्वारा बनाए जा रहे 500 बेड के कोविड अस्पताल के निर्माण में और तेजी लाने के निर्देश भी दिए। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस महामारी के दौर में यदि कोई कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैंने सीधा सीधा संदेश पहले भी दिया है, अब भी दे रहा हूं कि जो भी हॉस्पिटल हो कहीं कालाबाजारी करते पकड़े गए तत्काल उनपे कार्रवाई होगी और सख्ती से होगी, बख्शा नहीं जाएगा। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने आज बागेश्वर में कोविड संक्रमण रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को गांव में सैंपलिंग बढ़ाने के साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों को बेहतर उपचार देने के निर्देश दिए। बागेश्वर के विकास भवन सभागार में अधिकारियों की बैठक लेते हुए उन्होंने कोविड संक्रमित मरीजों की मृत्यु दर पर चिंता जताई। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इलाज में देरी होने के कारण किसी की भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम करने और सहयोग लेने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी समिति को और सक्रियता से काम करने की जरूरत है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से सैंपलिंग बढ़ाने में विभागों का सहयोग करने की अपील भी की। रिपोर्ट आ रही ग्रामीण क्षेत्र से, वहां पर सैंपलिंग बढ़ाने की बात आ रही और सैंपलिंग बहुत सारे लोग बता भी नहीं पा रहे, तो इसके लिए निगरानी समिति है, निगरानी समिति के माध्यम से और गांव का कोई भी आदमी वहां पर जो भी है वो टेलीफोन के माध्यम से कंट्रोल रूम में जिलाधिकारी को, उपजिलाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग को, माननीय विधायक को, जिला जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको टेलीफोन करें और इस गांव में लोगों को सर्दी जुकाम लग रहा है तो तत्काल दूसरे दिन हमारे वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम यदि उसी दिन होगा डॉक्टर होगी तो नजदीक में तो उसी दिन टीम पहुंच जाएगी। बैठक के दौरान सरकारी गोदामों से सस्ता राशन और निशुल्क राशन का मुद्दा भी जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाया गया। विधायक चंदन राम दास ने कहा कि राशन कार्ड ऑनलाइन न होने के कारण कई परिवारों को सस्ता राशन और कोविड काल के दौरान मिलने वाला निशुल्क राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। राशन की समस्या को गंभीरता से लेते हुए जिले के कोविड प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि इस समस्या को दूर करने के लिए जल्द शासन में बात की जाएगी। तो लोगों को काम करने की परेशानी तो हो रही है, राशन की व्यवस्था है तो उनके लिए अभी शासन से बात करूं कि जो छूट गए ऑनलाइन उन राशन कार्डों को राशन देने की बात अभी शासन से करूंगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज अल्मोड़ा के बेस अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी ली। बता दें कि बेस अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाया गया है। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना एक युद्ध की तरह है, इससे निपटने के लिए राज्य सरकार ने पूरी तैयारी की है। उन्होंने कहा अल्मोड़ा के बेस अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। पूर्व में जिले में आचार संहिता लगने के कारण बजट रुका हुआ था, लेकिन अब यहां के लिए पूरा बजट जारी कर दिया गया है। आज व्यवस्थाओं को देखने के लिए मैं हल्द्वानी के बाद अल्मोड़ा आया हूँ। यहाँ भी मेडिकल कॉलेज
और देश अस्पताल जो है उन दोनों का मैंने मुआयना करने की बात की किया है, साथ ही ऑक्सीजन प्लांट और इसकी भी समय सीमा तय करने की बात मैंने की है। इसमें बिल्डिंग का जो अभी तक काम जारी था किन्हीं कारणों से वो रुका रहा, जो पहले एजेंसी काम कर रही थी और उसको हमने काम देने मना किया, अब अपना जल निगम विभाग उसको करे। बीच में सल्ट विधानसभा का कारण आचार संहिता लगी रही, उसके कारण बजट फंडिंग हम दे नहीं पाए, लेकिन अब तत्काल बजट भी हम इसमें तत्काल स्वीकृत करके और इसको शुरू कराने वाले हैं। साथ ही वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, ये सब प्रक्रियाएं, पीपी किट पूरी मात्रा में यहां हम लोग भेज रहे हैं। वहीं प्रदेश के शासकीय और प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि कल से जन सुरक्षा को देखते हुए प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। उन्होंने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जन सहयोग की को जरूरी बताया। कल से कायदे से इस पूरे राज्य में कोविड कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है, जिसमें तमाम तरह के प्रतिबंध किए गए हैं और जो आवश्यक चीजें हैं उनके प्रतिबंध से मुक्त किया गया है। और इसके अलावा इस बार निश्चित ये बड़ा सख्त आदेश है कि सख्ती के साथ कर्फ्यू का अनुपालन कराया जाएगा। जिलाधिकारियों को, पुलिस ऑफिसर को बड़ी वास्ट पावर्स दे रहे हैं, ताकि क्योंकि जो कुछ ये कड़े निर्णय सरकार ने लिए ये जनता की रक्षा के लिए है। और ये जनता को समझना पड़ेगा कि ये हर व्यक्ति, क्योंकि बिना जन सहयोग के, जन सहभागिता के कोविड पर आप जन जीत नहीं सकते। नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र के सांसद अजय भट्ट ने सांसद निधि से 1,06,00,000 रुपए की निधि स्वीकृत की है। उन्होंने सांसद निधि से जिलाधिकारी नैनीताल को ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन प्लांट सहित 2,000 ऑक्सीमीटर खरीदने के निर्देश दिए हैं। सांसद अजय भट्ट ने बताया कि कोरोना महामारी के मद्देनजर नैनीताल जिले में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए 45,00,000 रुपये ऑक्सीजन प्लांट के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही 300 डी टाइप जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए 45,00,000 रुपये आवंटित किए हैं। उन्होंने बताया कि 2,000 पल्स ऑक्सीमीटर के लिए 16,00,000 रुपये की अतिरिक्त धनराशि भी जारी की है। वहीं नैनीताल के जिलाधिकारी ने बताया कि सांसद निधि से क्रय किए जाने वाले सभी ऑक्सीजन सिलेंडर सुशीला तिवारी अस्पताल को दिए जाएंगे, जबकि सांसद निधि से क्रय किए जाने वाले 2,000 पल्स ऑक्सीमीटर जिलेभर के सभी सरकारी चिकित्सालयों को वितरित किए जाएंगे। आज सचिवालय में मुख्य सचिव ओम प्रकाश, स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी, प्रभारी सचिव पंकज पांडे ने संयुक्त रूप से मीडिया ब्रीफिंग करते हुए राज्य सरकार के द्वारा कोविड काल में लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में की जा रही बढ़ोतरी की जानकारी दी। उन्होंने सरकार की तैयारियों को मीडिया के सामने रखा, बताया कि प्रदेश में मार्च 2020 तक जहां हमारे पास ऑक्सीजन बेड 673 थे, आज 5,500 बेड ऑक्सीजन से युक्त हैं। आईसीयू 1,390 जबकि वेंटिलेटर 876 कर दिए गए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की क्षमता 9,900 की गई है। इसी प्रकार से अन्य सुविधाओं को लगातार बढ़ाया जा रहा है। मुख्य सचिव ने बताया कि आज ऑक्सीजन प्लांट के 2 कंटेनर पहुंच गए हैं, शुक्रवार तक 4 कंटेनर और मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वहीं स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि शासन ने टास्क फोर्स का गठन किया है, जिससे कि कोरोना महामारी के दौर में कोरोना मरीजों को किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो उस पर आवश्यक कार्यवाही और समन्वय स्थापित करते हुए सहायता पहुंचाई जाए। हम लोगों ने आपसे देखा होगा पिछले एक हफ्ते में तीन चार मीटिंग हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं। एक मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर भी बैठक हुई थी, जिसमें 4-5 बिंदु और 4-5 निर्देश बहुत कड़े शब्दों में सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कहे गए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल यही था कि अपना जो हॉस्पिटल की बेड अवेलेबिलिटी का स्टेटस है, डेटा है, उसको लगातार अपडेट करते रहेंगे। जो वेबसाइट पर देखा है वो ट्रूली रिफ्लेक्ट करना चाहिए, तो इसको हम लोग दोबारा डायरेक्शन हम लोग एक बार दोबारा उसको रिप्लेस करते हैं। सेकेंडली रेमडेसिविर के बारे में था कि आपका जो क्लिनिकल प्रोटोकॉल है रेमडेसिविर का, उसी के माध्यम से ही आप उसी के ट्रैकिंग के लिए आप पूरा इलाज करेंगे, ये भी सारे हॉस्पिटल इंश्योर करेंगे। थर्ड है जो उनके पीआरओस के नंबर्स हैं जो वेबसाइट पे दिए गए हैं, वो लगातार नंबर्स उठाने चाहिए ताकि पब्लिक को किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस ना हो।
इस प्रकार के डायरेक्शन सभी मुख्य सचिव महोदय के द्वारा भी दिए गए हैं और हमने पहले भी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल से मीटिंग करा था। सेकेंड, जैसा आपको पता है, लगातार हमारी स्पेशल एक टास्क फोर्स एक्ट की बनी है, जो आईजी साहब उसको लगातार यहीं पर कंप्लेन्स जिस प्रकार की आ रही है उसको भी हम लोग देख रहे हैं। साथ ही साथ हमने एक और टास्क फोर्स का गठन किया जिसमें डीएम और हमारे पुलिस और हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो लगातार इन सारी शिकायतों पर चेक करके उसमें फिर आगे कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर स्पीक के अंतर्गत आपको मिलाते हैं डॉक्टर एनएस बिष्ट से। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए उनके द्वारा बताए गए सुझावों को आप भी ध्यान से देखें और सुने ताकि आप खुद को सुरक्षित रख सकें। हमने देखा कि दूसरी लहर बहुत जल्दी पीक पर जाती हुई लग रही है। इस बार इन्फेक्टेड लोगों की संख्या, संक्रमित लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और मरने वालों की संख्या उसी अनुपात में ज्यादा है, यानी कि केस फेटलिटी रेशियो पहले की तुलना में शायद ज्यादा बड़ा हो, लेकिन लगभग अभी तक बराबर भी। सवाल है कि इतना सारा संक्रमण कैसे फैले। बहुत सारे लोगों का मत है, वैज्ञानिकों का मत है कि पहली लहर के बाद, इसके कम हो जाने के बाद हम काफी निश्चिंत हो गए, युवा वर्ग को काम पर जाना था, इसलिए यह संक्रमण बहुत तेजी से फैला दिसंबर के बाद। यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि लोगों को दोष देने के बजाय हम अपनी वैज्ञानिक धारणाओं में थोड़ा सा अगर बदलाव कर लें तो हमें लगता है कि हम किसी दूसरे नतीजे पर भी पहुंच सकते हैं। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DDNews उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DDNews उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें, साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नमस्कार।